तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा ओपिनियन रहेगा, अगर आप इंजीनियरिंग के अंदर एआई को परस्यू करना चाहते हैं डिग्री, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे शुड यू डू इंजीनियरिंग इन 2023 और नॉट, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, इस सब चीज़ के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले अगर आप इंजीनियरिंग काउंसलिंग करना चाहते हैं हमसे, तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें से आप हमें ग्रुप ज्वाइन करके पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, हम आपके लिए काउंसलिंग लिस्ट बना कर देंगे और काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। हमारे स्टूडेंट्स का रिव्यू आप देख सकते हैं, यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो अब आते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, दैट इज शुड यू परस्यू द डिग्री। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो जैसे प्रैक्टिकली मैं समझाऊं, तो जैसे पहले बहुत सारा इंसान का काम रिपीटिटिव रहता था, वो अब रोबोट्स कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको कैसे कराना है ये सारी चीजें हम इसके अंदर सीखते हैं, ठीक है। अब रही बात, अगर इसके एग्जांपल्स देखा जाए तो आजकल चैट जीपीटी आ गया है, बार्ड आ गया है, तो इसमें हो क्या रहा है, जैसे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए पहले एक डेवलपर को घंटों घंटों तक बैठकर डेवलपिंग कोडिंग करना पड़ता था आज, और कोडिंग में गलत क्या हो रहा है ये सारी चीजें भी बहुत बहुत प्रॉब्लम आता था पहले, तो आज क्या हो पा रहा है, ये जो कुछ वेबसाइट्स बन गए, कुछ ऐप्स बन गए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो ऐप्स हमको क्या गलतियां हो रही है कोडिंग करते समय वो बता देती है, कुछ कुछ ऐप्स कोड करके भी दे देते हैं, इतनी ज्यादा अच्छी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज काम कर रहा है, ठीक है। वीडियो बनाना है, वीडियो एडिटिंग करना है, या फिर दूसरे भी जैसे डेटा एनालिसिस, जो डेटा एनालिस्ट करते हैं, इन सब के लिए हमें पहले इंसानों की जरूरत पड़ती थी, आज मशीन से सब सारा काम कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये बात बहुत आसान है और ये बात बहुत सीधा सीधा दिख रहा है कि आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बहुत बड़ा बून है जो कुछ सालों में आपको दिखने वाला है, और ये अभी से शुरुआत हो चुकी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी है करने के लिए, ठीक है। पर अगर हम बात करें, पहली बात तो मैं ये बोल देता हूँ कि ये कोर्सेज कौन से AI ML कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, इन सब के अंदर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाकर इसको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लेकर जाया जा रहा है। रही बात कि फिर इस समय करना क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सही है, तो मेरा पहला सबसे ओपिनियन कि अगर आप 2023 के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर इंजीनियरिंग करने के बारे में इस फील्ड में देख रहे हो, तो पहला अभी इतनी अच्छी तरह से फैकल्टीज बनी नहीं है। मैंने ये ओपिनियन मैं बहुत सारे अपने जो बच्चे फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, उनसे पूछ कर, उनसे डिस्कस करके ही आपके सामने बात कर रहा हूँ। उन बच्चों का ये कहना है, सर इतनी अच्छी फैकल्टीज नहीं है। मोस्टली हो क्या रहा है, 90% टीचर्स या फैकल्टीज इंजीनियरिंग जिन्होंने भी AI स्टार्ट किया है कॉलेजेस ने, वहाँ पर उतनी अच्छी फैकल्टी है ही नहीं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 100%, मैं बोल रहा हूँ 90%। 10% कॉलेजेस जो अच्छे हैं वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस का कोर्स बहुत ही अच्छा है, पर 90% कॉलेजेस के अंदर ये नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपका परसेंटाइल 60-70 है और अगर आप इस बारे में सोच रहे हो तो आप एक गलत जगह जा रहे हो, ठीक है। इतनी अच्छी कॉलेजेस आपको नहीं मिल पाएगी, और मिल भी गई तो वहां पर इतना अच्छा कोर्स भी नहीं है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इस समय 2023 में देखने को मिल रही है। अब आप खुद बताओ, अगर आपने 4 साल किसी चीज़ को दिया है और उसके अंदर आपको एक अच्छा जॉब चाहिए, एक अच्छा स्किल चाहिए, तो उसके लिए आपने इतने पैसे दिए ना, और आपको ये चीज़ अच्छी तरह से सीखनी है, तो उसके लिए आपको अच्छा कुछ वैल्यूएबल मिलना चाहिए, स्किल मिलना चाहिए। अगर वो फैकल्टी उतनी अच्छी नहीं है तो कैसे आपको वो सारी चीज़ दे सकती है। बात समझ में आ रही है, तो आपको ये चीज़ अब भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। बहुत बच्चे रिग्रेट करते हैं सेकेंड ईयर में जाकर कि यार मैंने गलत डिसीजन ले लिया, पर यह अभी डिसीजन लेने का समय है, अब तो उस समय कुछ हो नहीं सकता है ना। तो बेस्ट ये रहेगा कि आप क्या करना चाहिए एक बार सोच लो, अगर आपकी परसेंटेज इतनी अच्छी नहीं है तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मत जाओ, इस लाइन में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और आपको वो फैकल्टी पूरा नहीं कर रही है। तो फिर सर क्या करना चाहिए, तो मेरे पास सोल्यूशन में अगर मैं बात करूँगा तो सबसे पहला सोल्यूशन, एक तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना है या ये किसी की जिद होती है, ठीक है। तो मेरा एक ओपिनियन है, देखो फैकल्टी के साथ साथ वो उतना अच्छा अगर नहीं सिखा भी पा रही है तो आप नॉन एकेडमिक्स में आओ, नॉन एकेडमिक्स जाकर आप अपना अलग रास्ता बनाकर लर्निंग करो AI के बारे में। अब ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, आप एकेडमिक्स का ही इंजीनियरिंग कर रहे हो ना तो आपको खुद को पता चलेगा इतना प्रेशर है एकेडमिक्स का कि आप दूसरी चीजें करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है, ठीक है, और बहुत मुश्किल से टाइम मिल पाता है, तो फिर ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, ठीक है। तो दूसरा एक और ओपिनियन क्या रहेगा, देखिए दूसरा ओपिनियन ये रहेगा कि आप सेकेंड फैक्टर एक काम करो, CS के अंदर ही डिग्री करो,
टेक द परस्यू, क्योंकि कैसा है, सपोज कीजिए आप पुणे में कॉलेज करना चाहते हैं, तो पुणे में कॉलेज अगर आप करना चाहते हो तो आजकल एवरेज कॉलेजेस के अंदर भी सीएस बहुत अच्छी फैकल्टी हो चुकी है, ठीक है, तो वहां पे आप सीएस कीजिए, चार साल अच्छी तरह से डिग्री लो, डिग्री लेने के बाद आप अच्छी तरह से अपना बेसिक्स बना लोगे ना, तो आप सोचने के मतलब क्या प्रॉब्लम है एआई के अंदर, क्या मैं चाहिए एआई के अंदर, ये आप सोच सकते हो। एक बार अगर वो सोचने लग गए तो आपको सबसे पहला ओपिनियन ये फायदा होगा कि चार साल के अंदर आप क्या एआई के अंदर चाहिए वो चीज सोच सकते हो, वो कर लोगे, ठीक है, लेकिन इसके लिए आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। अब उसके लिए आप, मेरा बेस्ट ओपिनियन ऑनेस्ट रिव्यू यही रहेगा कि आप सीएस ही करो, चार साल की डिग्री लो, उसके बाद कोई कोर्स ज्वाइन करो जो एआई से रिलेटेड है, या फिर एआई सीखते जाओ वहां से आगे, आपकी बेसिक स्ट्रांग है तो आपको वो एआई सीखने को भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। सो इस तरह से आप परस्यू कर सकते हैं डिग्री सीएस के अंदर, आईटी के अंदर, और उसके बाद आप अपने आप को अपग्रेड एक्सेल कर सकते हैं टूवर्ड्स एआई।